हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। माला राना घर में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चटपटा मज़ेदार अचार, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है। तो हम उसी वेजिटेबल्स को उठाएंगे जो बहुत सस्ते में जाता है और उसका हम बनाएंगे टेस्टी अचार। सो इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, एवरी वन लव्स टू ईट अचार, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत के लेंथ्स और ब्रेथ्स में हर स्टेट में अचार ज़रूर बनता है। सो लेट्स सी कि हम आज क्या क्या उपकरण यूज़ करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी, मैंने जिंजर को पील करके उसके लंबे लंबे टुकड़े कर लिए हैं। मैंने हरी मिर्च भी काट के टुकड़े कर लिए हैं। मैंने यहाँ नमक ले लिया है, अजवाइन ले लिया है, नींबू काट लिया है, ड्राइड मैंगो पाउडर जिसे आमचूर कहते हैं वो भी है, और ये कलौंजी भी ले लिया है। अब हमको साफ करके इसमें डालेंगे। बट दिस इज़ नॉट ऑल, हम और वेजिटेबल्स लेने वाले हैं। इसमें रहेगा मूली, गाजर, हरी मिर्च, और इन सबको हम कंबाइन करके एक बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाने वाले हैं। देखिए, ये है 5 स्पून ऑफ कैरम सीड्स और अदरवाइज अजवाइन। ये है लगभग 7 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ये है आमचूर पाउडर, हम लेंगे 4 बड़ी चम्मच। और यह है सम मीडियम साइज्ड 6 to 7 lemons। इसका हम जूस बना लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से साफ करके कलौंजी और कैरम सीड्स को इसमें डाल देंगे पतीले में, फिर ड्राइड मैंगो पाउडर डाल देंगे, फिर लेमन जूस डाल के। सो द क्वांटिटी आई केप्ट हियर इज अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ जिंजर, अबाउट 1/2 kg ऑफ ग्रीन चिलीज, अबाउट 1/2 kg ऑफ कैरेट, एंड नियर अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ रेडिश जिसे मूली कहते हैं। सो इससे क्या होगा, आपका ये जब हम इसको सब मिला के धूप में रखेंगे ये रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट। सो इसीलिए हमने ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट रखा है, सो दैट जब ये सूरज के धूप लगेगा 3-4 दिन के लिए तब ये क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा। येट यू विल हैव 1 full bottle ऑफ अचार विच इज़ गोना सर्व द एंटायर विंटर। सो लेट्स सी द प्रोसीजर, कम ऑन। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे गाजर और मूली को एक समान काट के और इस पे नमक डाल दिया है। अब हम इसमें लेमन को स्क्वीज करेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी आई हैव स्क्वीज्ड ऑल द लेमन्स। और इसके जो बीज है मैंने फिल्टर कर लिया विद द चाय छन्नी, सो दैट इसके जो सीड्स है दैट शुड कॉज द बिटरनेस इन द अचार। तो मैंने इसको फिल्टर करके आई जस्ट कीप दिस असाइड और हम इसको विल गिव इट अ गुड टॉस टू इंश्योर इट डजंट ब्रेक। हम इसको एक हल्का सा स्टर देंगे ताकि ये सारे मसाले आपस में मिल जाए और ये टूटे ना। वाओ, जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इजंट दैट सो कलरफुल, सो ब्राइट, सो रिच। और कलौंजी को देखिए क्या सुंदर एक टेक्सचर बैठ रहा है। अभी हम इसको ग्रेजुअली स्लोली हम इसको एक बन्नी में या एक प्लास्टिक के जार में शिफ्ट कर लेंगे। बन्नी में मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और आई एम वेरी श्योर कि जब मैं इसे धूप लगाऊंगी वो देर इज अ चांस दैट दे माइट थ्रो इट और वो ब्रेक हो जाए। सो टू अवॉइड एनी लॉस आई एम गोना जस्ट शिफ्ट इन अ प्लास्टिक जार। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, दिस इज ऑलमोस्ट अ 1 kg bottle और इसमें लगभग यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक देखिए फिल हो गया है विथ सच अ लिटल इंग्रेडिएंट। और हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स पैक करके, सी एज वी स्पीक मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आने लगा है, इट्स स्मेलिंग सो वेरी गुड, यू कांट इवन इमेजिन, इतना बढ़िया महक आ रहा है इसमें। सो टच वुड, वी गोना हैव दिस सील्ड, इसको बॉक्स पैक करके हम धूप में रख देंगे। अब मैंने इसको धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है और इसको मैं कम से कम अबाउट 3 to 4 इसको सन बाथ दूंगी और देन वी विल ऐड द मैजिक इंग्रेडिएंट। लेकिन उसके लिए लेट्स कीप इट एंड गिव इट अ सन बाथ, अबाउट 3 to 4 सन बाथ्स, फिर हम देखेंगे आगे का प्रोसीजर क्या है।
for the longevity and for natural preservation, I have left this jar of pickle in the sun for about 6 hours and see how the colors are changing. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर ऑलरेडी चेंज होना चालू हो गया, विच मीन्स इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. और हम इसी तरह इसको 3 से 4 धूप दिखाएंगे.